हेलो किचन क्वींस एंड किंग्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीना इन द किचन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल नई बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो कि जितनी हेल्दी है ट्रस्ट में उतनी ही टेस्टी भी है और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें टेस्ट है, हेल्थ है और मिनटों में बन जाती है ये रेसिपी। तो आप इसको डेली ब्रेकफास्ट में बनाकर दे सकते हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये हेल्थ और टेस्ट का। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो आज हम ड्राई फ्रूट्स को एक बहुत ही टेस्टी ट्विस्ट देने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1/4 कप मखाने, 4 से 5 खजूर और 1/4 कप अखरोट। इसके अलावा आप यहाँ पर 1/4 कप बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें लेना है छोटे वाला मिक्सर ग्राइंडर जार और इसमें हमें ये ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। तो सबसे पहले हम डेट्स डाल देते हैं। डेट्स का बीज का जो बीज होता है, गिटक होती है, इसको निकाल देंगे। अगर आप वेट लॉस के लिए कोई ब्रेकफास्ट रेसिपी देख रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है ये, फुल ऑफ प्रोटीन्स, विटामिंस एंड मिनरल्स। इसमें कोई एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं करेंगे और बहुत ही फिलिंग है ये, तो जल्दी से आपको भूख भी नहीं लगेगी इसको लेने के बाद। ड्राई फ्रूट्स जार में डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जितना शहद या हनी। तो अब हमें इन सब चीज़ों को दरदरा पीस लेना है, यानी कि इनका बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा या कोर्स रखेंगे हम इसको, जिससे कि ये खाने में क्रंची लगे। और ड्राई फ्रूट्स का ये दरदरा पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। आप इस पेस्ट को एक ही बार में बनाकर 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में। तो अभी इसको रख देते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। और अब हमें यहाँ पर लेना है 1 केला, जिसको मैंने पीसेस में काट लिया है, और लगभग आधा अनार। अनार के दाने मैंने निकाल कर रखे हैं। तो अब हमें इन दोनों चीज़ों को भी मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देना होगा। इनका हमें पेस्ट बनाना है, थिक पेस्ट बनाना है। तो थोड़ा सा दूध मैं इसमें डाल रही हूँ, लगभग 2 से 3 टेबल स्पून दूध है ये। और इसमें भी अब हम 1 चम्मच जितना शहद या हनी मिला देते हैं। और अब हम मिक्सर में इन तीनों चीज़ों की थिक स्मूदी या पेस्ट बना लेंगे। और ये थिक स्मूदी हमारी बिल्कुल तैयार है, तो इसको भी हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। स्मूदी हमारी तैयार है, ड्राई फ्रूट्स का टेस्टी क्रंची पेस्ट तैयार है। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 ग्लास, आप बॉल में भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों ग्लासेस में लगभग 1-1 टेबल स्पून जितना ड्राई फ्रूट्स वाला पेस्ट डालेंगे। अब हम स्मूदी डालेंगे और स्मूदी डालने के बाद जो हमारा बचा हुआ ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट है वो हम ऊपर से एज अ टॉपिंग डाल देते हैं दोनों ग्लासेस में। देखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव है ये ब्रेकफास्ट, तो बच्चे देखकर ही खुश हो जाएंगे और आपको उन्हें खिलाने में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि बच्चों को हम ड्राई फ्रूट्स कैसे खिलाएं, फ्रूट्स कैसे खिलाएं। आप ब्रेकफास्ट में उनको ये बनाकर दीजिए और पूरे दिन के लिए आपकी चिंता ख़त्म। तो जल्दी से इसको अपने घर में ट्राई कीजिए, आई एम श्योर आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप खुद भी इसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो चलिए जल्दी से इसे अपने घर में ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको अच्छी रेसिपी कैसी लगी। ऐसी और इजी टेस्टी क्विक हेल्दी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल जीना इन द किचन को विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज़ मिलेंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुँच सके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी या एक नई वीडियो के साथ।